आज भारतीय टीम अपने टी20 विश्व कप अभियान की शुरुआत कर देगी। न्यूयॉर्क के नासाउ काउंटी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में भारत का सामना आयरलैंड के साथ होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 8 बजे से खेला जाएगा। दोनों टीम्स के बीच ये कुल 9वां मुकाबला होगा। अब तक हुए 8 मुकाबलों में भारत ने 7 मुकाबले जीते हैं, जबकि 1 मैच रद्द रहा है। नीदरलैंड ने टी20 वर्ल्ड कप में जीत से शुरुआत की है। टीम ने नेपाल को 6 विकेट से हरा दिया। डलास के ग्रैंड प्रेरी स्टेडियम में नीदरलैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी और नेपाल की टीम 19.9 ओवर में 106 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। 107 रन के टारगेट को नीदरलैंड ने 4 विकेट खोकर ही हासिल कर लिया। मैक्स ओडॉड ने 48 बॉल पर नाबाद 54 रन की पारी खेली। उन्होंने 4 चौके और 1 छक्का लगाया। टिम प्रिंगल प्लेयर ऑफ द मैच रहे। वर्ल्ड कप में इंग्लैंड स्कॉटलैंड के बीच टी20 मैच का नतीजा नहीं निकल पाया है। बारिश के चलते मैच को रद्द कर दिया गया। बारबाडोस के मैदान में स्कॉटलैंड ने टॉस जीता और बल्लेबाजी चुनी। बारिश के चलते ये मैच 10-10 ओवर का हो गया। स्कॉटलैंड ने 10 ओवर में बिना विकेट खोए 90 रन बना लिए। डकवर्थ लुइस मेथड लागू होने के चलते इंग्लैंड को 109 रन का टारगेट मिला, लेकिन बारिश आ गई और इंग्लैंड की टीम एक भी गेंद नहीं खेल पाई। अफगानिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप में दूसरी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। अफगानिस्तान ने युगांडा को 125 रन से हरा दिया। युगांडा ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला लिया। अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 183 रन बनाए और 184 रन का टारगेट दिया। जवाब में युगांडा 16 ओवर में 58 रन पर ऑल आउट हो गई। ये टी20 वर्ल्ड कप इतिहास का 4था सबसे छोटा स्कोर है। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच चोट के कारण चल रहे फ्रेंच ओपन 2024 से हट गए हैं। जोकोविच को दाहिने घुटने में चोट लगी थी। फ्रेंच ओपन ने पुष्टि की कि इसी वजह से उन्होंने टूर्नामेंट बीच में छोड़ दिया। वो 2023 में फ्रेंच ओपन चैंपियन रहे थे और अब उनके इस टूर्नामेंट से नाम वापस लेने से कोई नया विजेता मिलेगा। Z News.